चलो फाइनली ये पल आ ही गया जब मैं आसमान में खुले पंछी की तरह उड़ पाऊँ। यस, और तुम्हारी ये उड़ान मैं अपने कैमरा में कैप्चर करूंगी। लेकिन मिस्टर आजाद पंछी, कहीं आसमान में इतनी दूर मत उड़ जाना कि आसमान में गुम ही हो जाओ। डोंट वरी मैडम, वैसे भी अगर रोनी जी आसमान में गायब हो भी गए ना, तो वापस तो जमीन भी आना पड़ेगा ना। उड़ान भरने से पहले ही आप नीचे आने की बात कर रहे हो। चलो हो गई तैयारी। ऑल द बेस्ट। लगता है काफी एक्सपीरियंस है इन्हें उड़ान का। ऑफ कोर्स, अमेरिका में उसने काफी एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई किए हैं, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग एंड व्हाट नॉट। बस इंडिया में कभी कुछ ट्राई नहीं किया था, और अब जब इंडिया में आए ही हैं हॉलिडे के लिए, तो क्यों ना कुछ ट्राई करें। रोनी को कुछ हो गया? जॉन, जॉन को कुछ हो गया? देखो हॉलिडे मनाने आए थे, मुझे क्या पता था कि ये रोनी का आखिरी दिन साबित होगा। आलिया, हम जानते हैं ये घड़ी तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर प्लीज हिम्मत से काम। अब मैं न्यूयॉर्क जाके उसके डैड को क्या जवाब दूंगी कि मैं आई तो उसके साथ थी, लेकिन लौट अकेले रही हूँ। आपको किसी पे शक है? कौन मार सकता है रोनी को? सर, रोनी को कोई क्यों मारेगा? हम तो यहाँ किसी को जानते तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई दुश्मन अमेरिका से इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया? नहीं सर, रोनी का कोई दुश्मन नहीं था। He was such a lively person, सब उसको पसंद करते थे। तो तुम्हारा कहना है कि यहाँ पे इंडिया में कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई परिवार वगैरह नहीं है यहाँ पे? ये देश हमारे लिए अजनबी है सर, सब कुछ ना इन पैराग्लाइडिंग वालों ने किया है। प्लीज सर, अरेस्ट देम। आप हमें दोष मत दीजिए, रोजी रोटी है हमारी, हम क्यों मारेंगे इनसे टूरिस्ट को? तो किसने मारा रोनी को फिर? सर, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, 3,000 फीट की ऊंचाई से गोली कैसे चली, किसने चलाई? तो रोनी 3,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था। हाँ सर, और मैंने खुद गियर चेक किया था, कोई भी खतरनाक चीज नहीं थी उसके अंदर। और उसके आसपास किसी को उड़ते हुए देखा आसपास? नहीं सर, कोई भी नहीं था, आसमान एकदम साफ था, रेडियस भी क्लियर था, और वो अपनी उड़ान एंजॉय भी कर रहे थे, पर सडन पता नहीं क्या हुआ, एकदम से धड़ाम से नीचे आकर गिर गए। ये जो घाव है ना, तो ऐसा लगता है काफी दूर से गोली चली है, शायद किसी राइफल से। हाँ, राइफल ही होगी, क्योंकि जिस हाइट में ये उड़ान भर रहा था वहां से तो कोई शार्प शूटर ही गोली चला सकता है किसी राइफल से। जॉन, यहाँ आसपास किसी को गन या राइफल के साथ देखा है क्या तुमने? यहाँ पर गन लाना अलाउ नहीं है। आप असली गन की बात कर रहे हैं, वो दिवाली वाली पटाखे की बंदूक भी नहीं ला सकता कोई। आप लोगों ने देखा यहाँ पर किसी को? नहीं मैम। नहीं तो? नहीं देखा। नहीं मैम। अच्छा आलिया, जब आप यहाँ पर आई रोनी के साथ, आपको किसी पे शक हुआ? कोई आप लोगों को फॉलो कर रहा हो, कोई आदमी जो गड़बड़ लगे? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं था। तो क्या गोली आसमान से चली है क्या? सर मैंने बताया ना, रोनी जी के आसपास में कोई उड़े नहीं रहा था, तो फिर आसमान से गोली चलाएगा कौन? हाँ सर, आसमान में कोई भी नहीं था, आप चाहें तो ये फुटेज चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है साथ में। फुटेज में तो रानी के आसपास दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा। सर, जमीन से नीचे से ऊपर किसी ने गोली नहीं चलाई, ये कह रहे हैं कि जब वो ऊपर उड़ रहा था तो कोई उसके आसपास नहीं था, तो ऊपर से भी गोली नहीं चला सकता। ये बताइए, ये गोली चली तो चली कहाँ से और किसने चलाई? कमाल है यार, इसका कोई दुश्मन नहीं है, तो फिर इसको मारने के लिए इतनी प्लानिंग कौन करेगा? ये टेढ़ा केस लग रहा है, तो किसी टेढ़े आदमी को भेज देते हैं ये टेढ़े सबूत, शायद उसे कुछ पता चल जाए।
आज आप दोनों जिस कदर काम में डूबे हुए हो, ऐसा लगता है कि बहुत सारे सुराग देके भेजने वाले हो हमें यहाँ से। बहुत सारे सुराग? हाँ। और अगर एक भी नहीं मिला तो? सीधे सीधे बता ना, कोई सबूत मिला ही नहीं है, कोई सुराग ही नहीं मिला। सर गोली के बारे में कुछ पता नहीं चला? इतना पता चला है कि भाई ऊपर से किसी यूएफओ ने गोली चलाई होगी। यार सारू के क्या बच्चों जैसे यूएफओ यूएफओ की बातें करते हो? और ये क्या है ये बता, हमें समझाने के लिए किया है क्या? हाँ बता। ये देखो बॉस, रॉनी ग्राउंड से 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और गोली लगी उसे इससे भी ऊपर से, लगभग 1000 फीट की ऊंचाई से, और ये गोली 60 डिग्री के एंगल से लगी है उसे। मुझे तो सोच सोच के चक्कर आ रहे हैं। आसमान में ऊपर से कौन गोली चला सकता है रोनी पे, और वो भी कैसे? अभी ठहर जा, और चक्कर आएगा। बॉस ये गोली लगभग 3 किलोमीटर की दूरी से चली है। ना बड़ी अजीब बात है, गोली 3 किलोमीटर की दूरी से चलती है, 60 डिग्री में आती है, रोनी के गले में घुस जाती है टेढ़ी, मतलब राइफल भी इस्तेमाल की है, बड़ी पावरफुल। बिल्कुल बॉस, राइफल भी पावरफुल है और गोली चलाने वाला भी पक्का निशानेबाज। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत तेजी से बहती है और टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता रहता है, फिर भी उसका निशाना चूका नहीं, एकदम अचूक पॉइंट पे लगा। तो गोली चलाने वाला भी मंजावा खिलाड़ी है सर, एक शार्प शूटर। बिल्कुल, और ऐसे शार्प शूटर आसानी से तो मिलते नहीं जो ऐसा कारनामा कर जाए। लेकिन सर हमने सारे वीडियो देख डाले, जब रॉनी आसमान में था तो उसके आसपास ना तो कोई चॉपर था ना पैराशूट, आसमान एकदम साफ था सर। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये किलर, ये गोली चलाने वाला था कहाँ पर, जबकि सारा आसमान साफ था, जब बादलों में छुप कर बैठा था। और सर वो गोली, गोली से क्या पता चला है? कुछ नहीं मिला पूर्वी, मैंने बैलिस्टिक डिपार्टमेंट का पूरा डेटाबेस चेक किया, ऐसी गोली का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सर ये गोली जरूर कस्टम मेड बनवाई गई है। हाँ, अपने हिसाब से बना ली गोली, एक ऐसी गोली जो 3 किलोमीटर से चलती है और बिल्कुल निशाने पे लगती है। और सर अगर ये गोली इतनी जबरदस्त है तो इसकी राइफल भी काफी स्पेशल होगी। हाँ एक काम करते हैं, ये गोली फायर आर्म्स विंग और बैलिस्टिक डिपार्टमेंट में भेजते हैं, देखते क्या रिपोर्ट आती है। पर ये जो भी कोई है इतने ऊपर चला गया खून करने के लिए, अब जल्द से जल्द इसे जमीन पर लाते हैं। यार गुरु अब और नहीं चढ़ सकता, बहुत थक चुका हूँ मैं। बस नवीन ज्यादा दूर नहीं है, 3000 फीट चढ़ चुके हैं, पास ही में, वी कैन डू इट, कम ऑन। ऐसे लग रहा है जैसे रॉनी के मर्डर की फोटो कॉपी देख रहे हैं। 3000 फीट की ऊंचाई पे ठीक वैसे ही गोली मारी है सर के पीछे, उसको भी ऊपर से गोली। क्या आप लोग जब चेकिंग कर रहे थे तो ये हितेन के पीछे भी कोई था क्या? नहीं सर, हितेन ही सबसे पीछे था सर। सर ये देखिए फोटो सर, सर ये वही जगह जहाँ पे ये सब कुछ हुआ। कमाल है,
पीछे तो सिर्फ खुला आसमान है, ऐसी कोई जगह दिखी नहीं रही जहां से गोली चलाई जा सके। तो इसे गोली कहां से लगी? दोनों केसेस में पता नहीं चल रहा है कि गोली चली कहां से। सर एकदम सही कह रहे, आसमान से कोई कौवा या कबूतर थोड़ी गोली चलाया, ये गोली चली तो चली कहां से? अरे दोनों गोलियां 24 घंटे के अंदर अंदर चली, मुझे लगता है इन दोनों केसेस का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तो ये इतन काम क्या करता था? सर वो कॉलेज स्टूडेंट था सर, मुंबई ग्रेजुएशन करने आया था सर, ट्रैकिंग का बहुत शौक था उसको। जी समझ में नहीं आ रहा कोई एक कॉलेज स्टूडेंट को मारने के लिए इतनी प्लानिंग क्यों करेगा। वही तो, पहले रॉनी और अब ये हितेन, इससे पहले कि आसमान से चलने वाली गोली का कोई तीसरा शिकार हो जाए इस खूनी तक पहुंचना होगा जल्दी से जल्दी। पिछले 24 घंटों में दो खून हुए हैं, दोनों जवान बच्चे हैं, और दोनों को मारने का तरीका भी क्या हाई प्रोफाइल। सर दोनों की मौत हुई है एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए, जमीन से हजारों फीट ऊपर मारा है सर। मगर सर सोचने वाली बात है कि खूनी ने ये एडवेंचर स्पोर्ट वाला समय ही क्यों चुना इनको मारने के लिए, वो तो उन्हें कभी भी मार सकता था, इतनी लंबी प्लानिंग दो बच्चों को मारने के लिए। सिर्फ प्लानिंग ही लंबी नहीं दया, गन भी लंबी, ये ऐसी। ये कौन सी राइफल है सर? ये है TX-65, रशियन गन है बॉस, लॉन्ग रेंज, ऐसी गन से मारा गया होगा। सालूंगे साहब, क्या इस गन से 3 किलोमीटर दूर निशाना लगाया जा सकता है? हाँ फ्रेडी, शूटिंग रेंज में ट्राई करके देख लिया है, इसकी रेंज 3 किलोमीटर से ऊपर ही है। ऐसी गन तो आर्मी वालों के पास या फिर आतंकवादियों के पास ही मिलेगी। बिल्कुल बॉस, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं है, कोई बहुत बड़ा गुनाह होने वाला है लार्ज स्केल पर। दया सर, काम करो, दिल्ली में जाओ इंडियन इंटेलिजेंस विंग में और पता लगाओ कि ये ऐसी गन किसके हाथ लगी थी और कैसे। ये सारे खून इसी राइफल से हुए हैं, और आप लोग तो जानते हैं ऐसी हाई प्रोफाइल राइफल सबके हाथ में तो लग नहीं सकती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और गौर करने की बात तो ये है सर कि ये राइफल कोई खरीदना भी चाहे तो खरीद नहीं सकता, ये एक या दो पीस नहीं बिकती, पूरा का पूरा अलॉटमेंट होता है। तो पिछले कुछ सालों में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें ये इस तरह के राइफल इस्तेमाल हुए थे? जी हाँ। तो आपको किसी आतंकवादी गिरोह पे शक है? जी हाँ, अगर हमारा अंदाजा सही है तो हम जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। कौन? इलवारे जिले में कुछ समय पहले हमारी आर्मी ने बहुत सारे हथियार जब्त किए थे, उन हथियारों में ये वाली राइफल भी। आप प्रताप सर, सारे आतंकवादी मारे, उनमें से एक आतंकवादी बचकर निकल गया और हमने उनके सारे हथियार जब्त कर लिए। वेल डन प्रताप सर। और जो आतंकवादी भागकर गया है उसके बारे में सारे पोस्ट को अलर्ट कर दो। तो ये काम उस आतंकवादी का हो सकता है जो बचकर निकल गया था वहां से? जी हाँ, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये आतंकवादी गिरोह जल्दी ही कुछ बड़ा करने वाला है, शायद ये उसी की शुरुआत हो। ये दोनों जुर्म कोई मामूली खून नहीं है, ये जरूर कोई बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश, आतंकवादी हमले की साजिश। हाँ सर, और इस हमले को रोकने के लिए पहले इन आसमान से चलने वाली गोलियों का राज का पता लगाना पड़ेगा सर, और इस राज का पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा सर कि आतंकवादी रॉनी और हितेन जैसे आम आदमी की हत्या क्यों की। वैसे क्या कॉमन है इन दोनों खून में? सर दोनों मर्डर हवा में हुए, दोनों बार गोलियां ऊपर से चली, हाई प्रोफाइल राइफल से, किसी प्रोफेशनल शार्प शूटर का काम है सर ये। और सर इन दोनों केसेस में कोई वेंटेज पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे बैठ के खूनी इन दोनों पे गोली चला सकता है। वेंटेज पॉइंट यही तो वजह नहीं हो सकती है। तो आप कहना चाह रहे हैं सर कि खूनी के पास कोई जगह नहीं थी बैठ के गोली चलाने की, और उसे ये पक्का करना था कि उसका टारगेट छूटे ना, उससे कोई चूक ना हो, इसलिए वो
इन दोनों पे प्रैक्टिस कर रहा था? एग्जैक्टली अभिजीत, एग्जैक्टली वो निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब सर उसका असली टारगेट कोई और है? सर अगर कोई वैंटेज पॉइंट था ही नहीं तो फिर वो हवा में गोलियां कहां से चला रहा था? पंकज, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे सवाल में ही है। ये बताओ कि हम, मेरा मतलब है इंसान, हवा में कैसे उड़ता है बिना पंखों के? सर एरोप्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर से? बस तुम्हारा जवाब मिल गया। लेकिन सर वहाँ क्राइम सीन पे ऊपर आसमान में कोई चॉपर तो उड़ नहीं रहा था, ना ही कोई केबल कार थी वहाँ पे। दया कुछ और होगा, कुछ और होगा। अभिजीत मैप निकालो, वहाँ उस पैराग्लाइडिंग और माउंटेनियरिंग कैंप के आसपास देखो। मेरा मतलब है ऐसा कुछ है क्या जहाँ से आदमी हवा में उड़ सके? जंगल है। और हाँ, ये दो हॉट एयर बैलून रेंजेस भी हैं। सर देखो जहाँ पर खून है उसके आसपास कितने रेडियस में है ये? सर ये दोनों 60 किलोमीटर के रेडियस में है। एक बात तो पक्की हो गई, खूनी वहां पर हॉट एयर बलून में बैठा था और वहीं से उसने गोली चलाई 3 किलोमीटर की दूरी पे। सर अगर किसी को हॉट एयर बलून की सवारी करनी है तो पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, कोई ऐसे ही नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, तो वहां उस हॉट एयर बलून रेंज के ऑफिस में जाकर पता लगाओ कि ऐसा कौन सा टूरिस्ट था जिसने उन 2 दिनों में दोनों हॉट एयर बलून में सवारी की थी। ये टोटल 12 लोगों की लिस्ट है जो उस दिन हॉट एयर बलून में बैठे थे। कुछ लोग अलग बैठे थे और कुछ लोग ग्रुप बना के बैठे थे। तुम्हें कुछ याद है कि इनमें से कितने लोगों के पास कोई सामान या कोई बैग थे? या फिर कोई बदमाश जैसा दिख रहा हो? नहीं, बदमाश तो कोई नहीं लग रहा था, लेकिन एक बूढ़ी आंटी थी जिन्होंने बैकपैक रखे हुए थे और वो चश्मा और टोपी भी लगाई हुई थी। हाँ, हम भी हैरान थे कि इस उम्र में ऐसी ट्रैवलिंग का जज्बा। और जब फोटोज खींची जा रही थी तो वो शर्मा रही थी और अपना मुंह छुपा रही थी। ये बूढ़ी आंटी शार्प शूटर, सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? हाँ सर, नहीं पायलट हो इधर। 25 फरवरी को कुल मिलाकर सर मैंने 6 लोगों को एयर बैलून की सवारी करवाई थी और 2 लोगों को दिनेश ने सर। अच्छा, तो उनमें से कोई गड़बड़ टाइप का आदमी लगा या जिसके पास कोई सामान वगैरह हो? सर ऐसा तो कोई नहीं था, हाँ एक बुजुर्ग आदमी था, पता नहीं बात बात पर क्यों चिल्ला रहा था। शायद उसका मूड खराब था या खड़ूस था शायद। उसके हाथ में कुछ सामान था क्या? सामान तो नहीं था, हाँ बैसाखी लेकर चल रहे थे। बैसाखी लेकर चल रहे थे? तुम लोग हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीर लेने की बिना मुझसे पूछे? जरा भी तमीज है कि नहीं है? उड़ाओ उसे, उड़ाओ। अच्छा, फोटो खींचने पे नाराज हो गए? कितनी अजीब बात है ना सर, लोग हॉट एयर बलून पे रोज रोज तो बैठते नहीं है, तो वो खुद ही फोटो खिंचवाना चाहते हैं ताकि वो इस मेमोरी को हमेशा अपने पास रख सकें। और कोई खास बात याद है उनके बारे में? सब पता नहीं बतानी चाहिए या नहीं। नहीं नहीं, बोलो जो भी याद है खुल के बताओ। इन्हें चलता देख के लग नहीं रहा था कि उन्हें बैसाखी की जरूरत होगी, पर फिर भी उन्होंने बैसाखी पकड़ रखी थी। अच्छा, हाँ सर। अपूर्वी, कुछ मालूम पड़ा? सर यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई थी और उसके हाथ में एक बैकपैक भी था, और हाँ फोटो खिंचवाने से भी एतराज कर रही थी। अच्छा, यहाँ भी एक बूढ़ा आदमी आया था हॉट एयर बलून में बैसाखी लेके, और उसे भी फोटो खिंचवाने से परहेज था। सर कहीं ये बूढ़ा आदमी और ये बूढ़ी औरत एक ही इंसान तो नहीं है? एग्जैक्टली, वही शार्प शूटर। उसके बैग में और इसके बैसाखी में वो राइफल था जिससे ये खून हुए। और सर दोनों दिन ये ऊपर अकेला ही गया होगा, क्योंकि अगर किसी और टूरिस्ट के साथ जाता तो फिर राइफल सेट करने में और निशाना साधने में काफी मुश्किल हो जाते। नहीं पूरी, मुझे लगता है वो अकेला तो नहीं गया होगा। मतलब हॉट एयर बलून चलाना और साथ में ये राइफल भी चलाना, दोनों काम एक साथ करना जरा मुश्किल है। इस हॉट एयर बलून का पायलट भी होगा साथ में। मतलब सर इस जुर्म में पायलट भी मिले हुए हैं? यस, एक काम करो उस पायलट को पकड़ो जल्दी। उस दिन उस बूढ़ी औरत को ऊपर बलून में कौन ले गया था? पायलट कौन था? संजीव था। ना तो मुझे मार पाओगे और ना ही उसे।
संदीप ये तो अपनी जान देने के लिए तैयार था। ये कोई छोटे मोटे मर्डर्स नहीं है पंकज, कोई बहुत बड़ा मिशन है जिसे अगर जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा गीता, 24 फरवरी को जो आदमी ग्रुप में नहीं जाना चाहता था, अकेले जाना चाहता था, उसका पायलट कौन था, कौन लेकर? सोलो ट्रैवलर को तो दिनेश लेकर गया था। कमाल है दिनेश, इतनी देर से चुप बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। अभी यमराज तुझे अपॉइंटमेंट देने के मूड में नहीं है। जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। चल मार लो, जितना मार सकते हो मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम्हारे इन कानून के कमजोर थप्पड़ों में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे जुर्म की मजबूत हड्डियों को गला सके। जे तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करना होता तो उसके लिए तो 2 मिनट का काम है हमारे लिए, पर बाद में ख्याल आता है तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी बहन हुँ? अगले महीने उसकी शादी है ना, कैसा लगेगा उसे कि उसकी शादी हो रही है और शादी के वक्त उसका भाई इस दुनिया में नहीं है हा? और तुम्हारी माँ हर महीने खर्चे के लिए पैसे भेजती हो ना, तुम्हारे जाने के बाद कौन ख्याल रखेगा उसका, कभी सोचा है इसके बारे में हा? नहीं, चलो अब भी मौका है, सरकारी गवाह बन जाओ, वादा करते हैं तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारी माँ का ख्याल हम रखेंगे। सच? मतलब पूरा ख्याल रखोगे? पूरा ख्याल? हाँ, तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे। तुम बस ये बताओ कि किसके लिए काम करते हो, तुम्हारा बॉस कौन है? बता दूं? पक्का बता दूं? हाँ बताओ। मैं जिसके लिए काम करता हूँ ना, मेरा बॉस है सर, उसका नाम है ACP प्रद्युम्न। ACP प्रद्युम्न, जाओ पकड़ लो और गिरफ्तार कर लो उसे। कहा था ना मैं कुछ नहीं बताने वाला, जो कर सकते हो कर लो। CID वाले ओ बॉस बॉस, कोई बात नहीं, कुछ मत बताना, अब हम ना तुमसे कुछ पूछेंगे, कुछ बताने के लिए तुम पर जोर जबरदस्ती करेंगे, कुछ नहीं सिर्फ एक करेंगे, हम तुम्हें सोने नहीं देंगे। सोने नहीं देंगे? वैसे भी मैं अगर जागता रहा तो मैं कुछ बताने नहीं वाला हूं आप लोगों को। कोई जरूरत नहीं, कुछ मत बताओ, पर सोने नहीं देंगे तुम्हें। ओके यार दया, मैंने तो सुना है कि आदमी खाने पीने के बगैर तो काफी दिनों तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन सोए भी ना, कितना तड़पेगा ये बेचारा, बड़ी बड़ी मौत मरेगा, मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। समय काटने के लिए आसानी होगी हा? अपने जिंदगी के आखिरी पल अपनी आंखों के आगे गुजरते हुए देखो, ठीक है? थैंक यू। सोने मत देना इसको।
रेडी सर। अरे कहाँ हो यार? जब तक मुंह नहीं खोलेगा सोने का नहीं, समझे? पांच मिनट में नहीं, एक मिनट तो सोने दो। एक सेकंड, सोऊंगा नहीं, नहीं सोऊंगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। बस अब टूटने वाला ही है। सब बकना शुरू कर देगा अभी। बल्लू, बल्लू नहीं सहेगा तू। क्या सोना चाहता है? तो सोने देंगे ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? चलो हम सोने देंगे तुम्हें। कल ये बताओ कि तुम्हारे गिरोह का प्लान क्या है। बता दो। मेरा नाम दिनेश नहीं है, मेरा नाम मेरा नाम बल्लू है, दिनेश नहीं है मेरा नाम। और मुझे स्पेशली इसी मिशन के लिए तैयार किया गया था। और जो दो मर्डर हुए थे ना, वो प्रैक्टिस थी। हमारा असली मिशन है उसको मारना। स्टीव, क्या नाम है उसका? स्टीव मल्डर। स्टीव मल्डर वो इंटरनेशनल पीस मीडिएटर, शांति दूत, जो हमारे देश आया है, दुश्मन देशों के बीचों शांति का करार करवाता है आतंकवाद बंद करने के लिए। इसी भी हम नहीं चाहते कि आतंकवाद कभी रुके। ओ स्टीव मल्डर तो मरेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। और तो कर भी लोगे ना, उसको बचा भी लिया ना। ओ स्टीव मल्डर को खत्म कर देंगे हम। हमारा जो शार्प शूटर है ना, एकदम रेडी। कहाँ मारने वाले और कब? बोल। वो जब कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहा होगा ना, वो सबसे सही मस्त, वही सबसे सही समय, वही सबसे सही समय होगा, क्योंकि उस समय उसके आसपास सिक्योरिटी वाले नहीं होंगे। और जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये बिल्डिंग की छत पे है, तो हॉट एयर बैलून पे हमारा शार्प शूटर जाएगा, वही गोली मारेगा। कॉन्फ्रेंस एक घंटे में चालू होने वाला है, अभी जल्द से जल्द पहुंचना होगा। अरे तुम लोग कितनी कोशिश कर लो, नहीं बचा पाओगे उसे। और हाँ, अगर तुम लोगों ने बचा भी दिया ना, तो हम दोबारा प्लान बनाएंगे, दोबारा मार देंगे। कौन मारेगा? कैसा दिखता है वो? अरे मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी अभी तक। जब भी आता है भेज बदल के आता है, तुम लोग क्या उसे पकड़ोगे? हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। सर क्या हम हॉट एयर बलून रुका नहीं सकते जब तक ये कॉन्फ्रेंस पूरी न हो जाए? नहीं फ्रेडी, ये हॉट एयर बलून हम नहीं रुकवाएंगे। अगर आज रोक दिए तो कल दूसरा प्लान करेंगे। आज का प्लान हमें पता है, हम आज ही भिड़ेंगे इनसे। CID,
मिस्टर स्टीव मल्डर का है, ऊपर कॉन्फ्रेंस में, हमें ले चलो उनके पास जल्दी। हरिओम। चार बलून है, दो हवा में है और दो रेडी हो रहे हैं उड़ने के लिए। मेरे सामने जो बलून है सर, उसमें एक कपल है और वो लड़के के पास एक बैकपैक है। नजर रखो उन पे, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, सब पे ध्यान रखना। ओके सर, उनका बलून टेक ऑफ हो गया सर। हाँ इस दुनिया में टेररिस्ट क्यों है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। और ये टेररिज्म तभी स्टॉप हो सकते हैं जब सभी देश भाई भाई की तरह साथ रहें। टेररिज्म को जाद से उखाड़ फेंकना होगा हम सबको। तो म्यूजिशियन है उड़ने की तैयारी में, उनके हाथ में गिटार के बैग है। अब ये बताना मुश्किल है कि अंदर गिटार है या गन। सर और एक आदमी आया है, उसके पास एक बैकपैक और एक क्रच है। वेट करते हैं। सर कैमरा क्रू वाले आए हैं, उनके पास दो बैग है। कैमरा क्रू? उन्हें नजरों से ओझल होने मत देना, नजर रखो उन पे। तो बहुत सारे बलून उड़ रहे हैं। सुसाइड बॉम्बिंग क्या है? कोई खुशी खुशी हो, अपनी जान देने को कैसे रेडी हो सकते हैं? जिंदगी अनमोल। ओह नो, वी नीड टू रिस्पेक्ट। ये सारे बलून, वो कौन सा बलून होगा जिसके हमें तलाश है? तेरा फेस बदल क्या है? ये तो शक्ल से कुछ गड़बड़ लग रहा है। गिटार वाले पे नजर रखो। अपनी गतियां से सीखनी चाहिए हमें ताकि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जैसे। ये तो गिटार है, चल क्या रहा है? ये ऊपर जाके ये लोग म्यूजिक बजाने वाले हैं क्या? बाकी तो सारे बलून्स निकल गए, एक रह गया। मतलब सर, सर इस बलून में हमारा शार्प शूटर?
वेट एंड वॉच। ये अपनी जगह से हिल रहा है। कैमरा क्रू सर ये कहाँ गायब हो गए? सर इसके पास तो राइफल है, वैसे जैसे साड़ों के सर ने बताई थी। अब जी मिस्टर स्टीव, योर लाइफ इज इन डेंजर, आपकी जान को खतरा है। आप क्या कर रहे? वी हैव अ प्लान। ओह, थैंक यू सीआईडी। अगर आप लोग आज सही वक्त पे नहीं आते मैं जिंदा नहीं होता। क्योंकि मिस्टर स्टीव खतरा अभी क्या नहीं है, अभी कोई पकड़ा नहीं गया है, इसलिए बी सेफ है, बी केयरफुल। ओके रेडी पंकज, उस बलून पे नजर रखना, आंखों से ओझल होने मत देना। हाँ सर, हम लोग बलून को ट्रैक कर रहे हैं। Good job. Congrats. Pakda Gaya killer, Mr. Abhijit? Yes, Mr. Stevie, got it. Yes. Well done. Well done. CID, Barsos, is desh ki seva kar rahe hai. Par aaj ek baar phir aapne ek khatarnak terrorist ko pakad liya hai. Abhi wo pakda kya hai? Bahut jald hum uske pure group ko pakad lenge. Mr. Steve, we are very proud of you. Aap jaise logon ki duniya ko zarurat hai. Jo aap jaise saahsi hain aur nek. तुमने फेस बदलकर हमी और हितेन का खून किया था।
सकता हूँ मिस्टर। आप शूटर, आप जेल की उड़ान भरना है, हाथी में झूठ बोल रहे, समझा? तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे पकड़ लिया तो स्टीव जिंदा बच जाएगा? कभी नहीं, हमारी तादाद इतनी ज्यादा है कि तुम्हारा कानून हमें ढूंढते ढूंढते थक जाएगा, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे। खत्म होगा तो तुम्हारे ये देश। एक खटमल, हमारे देश पे बुरी नजर डालने वाले आए और चले गए। जानता है हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 70 साल। और पिछले 70 सालों में हमारे देश के वीरों ने न जाने कितने आतंकवादियों का खात्मा किया है। आज तेरी बारी है, कल तेरे साथियों की बारी होगी। हमारा देश रहेगा और खुशहाल रहेगा, और अगर इस देश से किसी चीज का खात्मा होगा वो है आतंकवाद, समझा? आतंकवाद। आतंकवादी, पीठ पे ही गोली मारोगे, हम लोग यहां खाते गोली, यहां। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.